हेलो गाइस, वेलकम टू वर्सेटाइल स्टूडियो मैक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और पहले पिछले इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो का आप देखिए। तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट की मदद से टेबल पे डेटा इंसर्ट करेंगे। मतलब एक टेबल तो हमारा बन चुका है बट उसमें कुछ डेटा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कस्टमर टेबल करके एक टेबल बनाया और उसमें कुछ कॉलम ऐड किया है, जैसे कि कास्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर उसका एज, सैलरी। तो यहाँ पे जाके आप कस्टमर टेबल पे जाके आप देख सकते हैं कि उसका कॉलम डेटा टाइप ऐड हो चुका है। बट डेटा में जाएंगे तो देखेंगे कि उसका कुछ डेटा हमने अभी तक ऐड नहीं किया। तो आज हम इंसर्ट स्टेटमेंट की मदद से डेटा को टेबल पे इनपुट करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंसर्ट स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स है। इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखने के लिए सिंटैक्स ये है कि पहले इंसर्ट, उसके बाद हमें लिखना होगा इनटू, फिर टेबल का नेम, फिर राउंड ब्रैकेट का अंदर कॉलम्स नेम, जो जो कॉलम आपने बनाया है उसका नेम, फिर वैल्यूज, फिर से हम राउंड ब्रैकेट ओपन करके उसमें अपना वैल्यू ऐड करेंगे। तो अभी हम ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर टूल में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं अपने एसक्यूएल डेवलपर टूल में आ चुका हूँ। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। एक कॉलम विदाउट कॉलम नेम स्पेसिफाइड और दूसरा है विथ कॉलम नेम स्पेसिफाइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विदाउट कॉलम नेम स्पेसिफाइड। सो SQL इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आप अपर केस में भी लिख सकते हैं या फिर लोअर केस में लिख सकते हैं। अभी हम डेटा इंसर्ट करते हैं, उसके लिए लिखना होगा इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद टेबल का नेम, कस्टमर टेबल, तो पहला टाइप में हम देख सकते हैं कि विदाउट कॉलम नेम स्पेसिफाइड, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन। अभी हम वैल्यू इनपुट करेंगे, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया पहले कस्टमर टेबल में पहला कॉलम है कास्ट आईडी, सो मैंने दिया एक, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम कुछ भी दे देता हूँ, तो अभी दे दिया, फिर उसके बाद हमको लिखना होगा लास्ट नेम, फिर कॉमा, देन एज 23, उसके बाद सैलरी। फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। सो अब देख सकते हैं कि वन रो इंसर्टेड, तो एक रो हमारा बन चुका है। तो अभी
इसका इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो अब देखिए कि पहला जो रो हमने बनाया था वो इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसा करके आप 2, 3, 4, 5 जितना चाहे रो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक और करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल वैल्यूज कुछ भी रैंडम वैल्यू आप ले लीजिए। ले लिया, अभी इसको भी हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वन रो इंसर्टेड कस्टमर टेबल में जाकर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि दो रो जो हमने इंसर्ट किया था तो शो कर रहा है। तो गाइस अब हम विथ कॉलम नेम लेके कैसे हम डेटा को टेबल में इंसर्ट कर सकते हो वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ कॉलम नेम स्पेसिफाइड। तो विथ कॉलम नेम स्पेसिफाइड तो इसके लिए हमको लिखना होगा इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम कस्टमर टेबल अभी राउंड ब्रैकेट ओपन यहाँ पे कॉलम नेम जो हमारा है जैसे कि कास्ट आईडी फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिर एज उसके बाद सैलरी फिर लिखेंगे वैल्यूज फिर से राउंड ब्रैकेट ओपन करके हम डेटा इनपुट करेंगे। कुछ भी रैंडम वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे अभी। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि वन रो इंसर्टेड। तो अभी कस्टमर टेबल में आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो लास्ट वाला जो हमने रो अभी बनाया वो इंसर्ट हो चुका है टेबल में। तो ऐसे करके हम और 2-3 रो ऐड कर लेते हैं दोस्तों। इसको कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अभी इसको रन करके देखते हैं तो एक रो इंसर्ट हो गया। अभी यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे
तो देखेंगे कि लास्ट वाला जो रो हमने ऐड किया है, जो वैल्यू हमने ऐड किया है लास्ट का, वो टेबल में ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही हम डेटा को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।